नमस्कार दोस्तों, तो हम दिवाली के लिए बहुत ही अच्छे दिया मेकिंग की वीडियो लेके आए हैं। तो ये देखिए, आप घर पे ही बना सकते हैं बहुत सुंदर से दिया, पुरानी चूड़ी और ये मिट्टी के कुल्हड़ से। तो आप बहुत ही सुंदर घर पे बना सकते हैं। तो इसी तरह आप देखिए, वीडियो को पूरा देखें और घर पे बनाएं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये कुल्हड़ ले लिए हैं। तो ये छोटे छोटे हैं, जो सबसे छोटे कुल्हड़ आते हैं। और ये हमने कलर लिया है नीला। सबसे पहले हम इनमें ये देखिए इस तरह से कलर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। दोस्तों, हम बाज़ार से आए ऑनलाइन से मंगाते हैं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि सस्ते में आप घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें कलर कर लेना है। ये देखिए अच्छे से अंदर भी इस तरह से ऊपर। तो इस पे हो गया है, दूसरे पे भी हम इसी तरह से कलर कर लेंगे। आपको जैसा भी कलर पसंद आए, जैसा बनाना चाहें, आप उसी तरह से बना सकते हैं। अपने हिसाब से इसे पेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों हो गया। उसके बाद हम इसे सुखा लेंगे। तो ये देखिए सूख चुके हैं, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पे दूसरा कलर भी पेंट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से कलर और अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं अलग अलग। तो ये देखिए हम इस तरह से इस पे डिजाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, अगर ज़रा सी भी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है, दूसरा भी हम डिजाइन बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पे भी डिजाइन बना ली है। ये देखिए, तो ये दोनों इस तरह से हमने पेंट कर लिए। उसके बाद हम ऊपर भी ये देखिए यहाँ पे किनारी पे डिजाइन बना लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें बना लेना है पूरे में, इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हमने अलग अलग दोनों में डिजाइन बना ली है। तो ये हम साइड में रखते हैं। अब हम लेते हैं ये पुरानी चूड़ियाँ। तो ये देखिए, पुरानी हमने कंगन लिए हैं जो हमारे यूज में नहीं है। तो उसके बाद हम ऊन ले लेंगे। आप अपने मन का कलर ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने रेड कलर ले लिया है इस तरह से। डबल करना है इसे, थोड़ा बड़ा करें कि जो कि बीच में तोड़ना ना पड़े, पूरे में आ जाए। उसके बाद हमें इस तरह से इसे डालना है। ये देखिए धागा के बीच में धागा डाल के निकाल लेना है। और उसके बाद इस तरह से पूरे में हमें इस तरह से लपेट लेना है। ये देखिए, तो पूरे कंगन को हमें भर लेना है ये इस तरह से। तो हमने ये दो कंगन ले लिए हैं। उसके बाद हम लेंगे ये लेस। ये देखिए जो गोल्डन कलर की लेस आती है, इसे भी हम इस तरह से, ये देखिए, पहले हम इसे बराबर कट कर लेंगे और इसे हम फेविकोल से चिपका लेंगे। फेविकोल या ग्लू गन से, किसी से भी आप चिपका सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और हम इसे यहाँ पे इस तरह से चिपका लेंगे। और उसके बाद इस तरह से हम इसे लपेट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चिपक गया है। उसके बाद हम इस तरह से इसमें डिजाइन बना लेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से हमें दोनों कंगन पे डिजाइन बनानी है। ये देखिए इस तरह से पूरा इसको हमें भर लेना है डिजाइन से। तो इस तरह से हमने ये बना ली है। इसे भी हम इसी तरह भर लेंगे। उसके बाद हम ये देखिए कैंडल लिए है, तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे।
और ये धागा हम रख लेंगे, इन्हें यूज कर लेंगे बाद में उसी में दिए में। ये देखिए इस तरह से, तो इन्हें हम अलग कर देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एक बर्तन में पानी, पानी को खौल जाने देते हैं। ये देखिए पानी खौल गया है। उसके बाद हम एक कटोरी में तेल ले लेंगे, आप चाहे घी तेल जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद हम तेल को गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें कैंडल डालेंगे बाद में। ये देखिए अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमें कैंडल डालना है। ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे तो ये अच्छे से हम इन्हें पिघला लेंगे अच्छे से। ये जब इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से इसमें हो गया है। उसके बाद हम ये देखिए कुल्हड़ में वही धागा रखेंगे जो कैंडल में निकले हैं। इस तरह से धागा लेंगे, पहले हम इसमें तेल डाल देंगे। तो दोस्तों कैंडल हमारी कम थी इसकी वजह से कम दिए भरे हैं, आप ऊपर तक भरें। और उसके बाद हम इसी देखिए किसी के सपोर्ट में इस तरह से धागा को सेट कर लेंगे। जो बीच में धागा रहे आप चाहे लकड़ी लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से लगा के आप इन्हें इस तरह से सेट कर लें। ये देखिए इस तरह से, तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्रिज में रख दें तो ये अच्छे से जम जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद ये देखिए इस तरह से तैयार हो चुके हैं। तो हमने इसमें मोती भी लगाए हैं। ये देखिए वीडियो कट हो गई थी इसलिए नहीं दिखा पाए, तो इस तरह से हमने मोती लगा दिए हैं ऊन के। और ये तो आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छे से सजा सकते हैं। इस तरह से दिवाली पे आप अपने घर पे दिए बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पसंद आए होंगे। चलिए इन्हें हम जला के दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।